भारत में अभी सेवन सीटर कार दिन प्रतिदिन पॉपुलर होती जा रही हैं और लगभग हर ज्वाइंट फैमिली सेवन सीटर कार को खरीदना चाहती है। और अगर आप भी एक सेवन सीटर फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगस्त में इस सेगमेंट में दो नई गाड़ियां मारुति एक्सल 6 और रेनो ट्राइवर लॉन्च हुई हैं। और आज हम आपको इन दोनों ही गाड़ियों की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको अपने लिए सही कार चुनने में आसानी होगी। तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंजन की अगर बात करें तो मारुति सुजुकी एक्सल 6 में 1462 सीसी का K12B स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 4400 आरपीएम पर 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 6000 आरपीएम पर 105 bhp पावर जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट में अवेलेबल है। साथ ही इस कार में 2-wheel ड्राइव सिस्टम दिया गया है। अब ड्राइवर के इंजन की बात करें तो इस कार में 999 सीसी का 3-सिलेंडर वाला 1 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 3500 आरपीएम पर 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 6250 आरपीएम पर 71 bhp की पावर जनरेट करता है। ये इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट में अवेलेबल है और इस कार में भी 2-wheel ड्राइव सिस्टम दिया गया है। सीटिंग की अगर बात करें तो रेनो ट्राइवर में 7 लोगों के बैठने की जगह है, वहीं मारुति एक्सल 6 में 6 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट दी गई है। अब बात करें साइज की तो रेनो ड्राइवर की चौड़ाई 1739 मिलीमीटर है, ऊंचाई 1643 मिलीमीटर है, साथ ही इसकी लंबाई 3990 मिलीमीटर है। ये एक प्रीमियम हैचबैक कार है, लेकिन इसका डिजाइन इसे एक मिनी SUV जैसा लुक देता है। और मारुति एक्सल 6 की चौड़ाई 1775 मिलीमीटर है और ऊंचाई 1700 मिलीमीटर है, साथ ही इस कार की लंबाई 4445 मिलीमीटर है। ये एक MUV कार है। फाइनली कीमत की अगर बात करें तो मारुति एक्सल 6 की शुरुआती कीमत 9,79,000 रुपये है, वहीं रेनो ड्राइवर की शुरुआती कीमत सिर्फ 4,95,000 रुपये है, यानी कि मारुति सुजुकी एक्सल 6 की कीमत रेनो ड्राइवर से लगभग डबल है। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।